हरे कृष्णा। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन भोग स्वीकार करते हैं। फिर आज अचानक क्या हो गया जो भगवान ने अभी तक भोग को छुआ तक नहीं? अश्रुपूरित नेत्रों से वह भगवान से पूछ रही थी। राजस्थान के कलवा जिले में जन्मी एक मासूम बच्ची की पुकार को भगवान अनसुना कैसे कर सकते थे? तो आखिर भगवान को आना पड़ा। लेकिन कौन थी ये बालिका और क्या थी उसकी कहानी, इसे जानने के लिए चलिए हम चलते हैं 17वीं सदी के नागौर जिले के कलवा गांव में, जहां जीवन राम डूडी के घर पर एक असाधारण कन्या का जन्म हुआ। जीवन राम और उनकी पत्नी स्वयं भगवान के भक्त थे और उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को भी कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से प्रदान किया था। एक समय की बात है जब जीवन राम डूडी और उनकी पत्नी ने पुष्कर में स्नान के लिए जाने की इच्छा प्रकट की। अब अगर वे दोनों चले गए तो उनके घर में जो भगवान के विग्रह हैं उनकी सेवा कौन करेगा? तो ये जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पुत्री कर्माबाई को सौंपी। जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी सी पुत्री को बुलाया और कहा, देखो बेटी, हम कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर जा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारे घर के विग्रहों की सेवा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम प्रतिदिन उनको अच्छे से भोग लगाना और वही प्रसाद ग्रहण करना। बस फिर और क्या था। दूसरे दिन प्रातः उठकर कर्माबाई ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी का भोग तैयार किया। उसमें घी डाला, गुड़ डाला और गर्म गर्म खिचड़ी भगवान के समक्ष जाकर रख दी। उसने सोचा, हर रोज की तरह भगवान आएंगे और भोग स्वीकार कर लेंगे। कुछ समय बाद वापस आकर उसने देखा तो भोग की थाली वैसी की वैसी ही पड़ी थी। वो फिर से बाहर चली गई। कुछ समय और प्रतीक्षा की लेकिन फिर भी भोग में से एक दाना भी हिला नहीं था। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते संध्या होने वाली थी। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान प्रतिदिन उसकी माँ के हाथों से भोग स्वीकार करते हैं। फिर आज अचानक क्या हो गया जो भगवान उसकी खिचड़ी को स्वीकार नहीं कर रहे? उन्होंने भगवान से अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे प्रभु, आप प्रतिदिन मेरी माँ के हाथ से बनाया हुआ भोग तो स्वीकार कर लेते हैं, फिर आज मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे हाथों से ये भोग नहीं खा रहे हैं, बताइए। ये कहकर कर्माबाई रोने लगी। ये देखकर भगवान का हृदय भी पिघल गया और उन्होंने कर्माबाई से कहा, अरे कर्मा, तुम मुझे भोग स्वीकार करने के लिए बुला रही हो लेकिन तुमने पर्दा तो किया ही नहीं। ये सुनकर रोते हुए कर्माबाई ने भगवान से कहा, अरे प्रभु, बस इतनी सी बात थी, आप पहले ही मुझे बता देते, वैसे ही आप भी आज पूरा दिन भूखे रहे और मुझे भी रखा, आप भी ना, चलिए ये लीजिए, मैं पर्दा करती हूँ, अब आप आकर भोग स्वीकार कीजिए। ये कहकर कर्मा ने अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और भगवान ने कर्माबाई की सारी खिचड़ी सफा चट कर दी। और बस फिर क्या था, ये रोज का नियम हो गया और कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने भगवान प्रतिदिन आने लगे। कुछ समय के बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ यात्रा से वापिस आए। माँ ने रसोई में जाकर देखा तो घी और गुड़ का पूरा भरा हुआ मटका खाली पड़ा था। माँ ने पूछा, कर्मा, ये क्या, इतना गुड़ और घी कहाँ गया? तो कर्मा ने मासूम भाव से कहा, माँ, जब मैंने हमारे ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने खाया ही नहीं, इसलिए मुझे लगा शायद उनको घी या गुड़ कम पड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा डालती गई और फिर भगवान हर रोज आकर खिचड़ी खाने लगे, तो बस इसीलिए खत्म हो गया। माँ को अपनी पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा शायद वो झूठ बोल रही है। लेकिन कर्माबाई ने माँ को आश्वासन देते हुए कहा, माँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या कि सच में भगवान मेरे हाथों से भोग खाते हैं? ठीक है, फिर मैं कल फिर से भगवान को भोग लगाऊंगी और फिर आप देखना। ये सोचकर माता पिता दोनों आश्चर्य में डूब गए। दूसरे दिन फिर से कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, उसमें घी और गुड़ डाला और गर्मा गर्म खिचड़ी भगवान को भोग लगाई। कुछ समय बाद देखा तो थाली बिल्कुल साफ थी। ये देखकर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि वे सच में कितने भाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसी पुत्री प्राप्त हुई जिसके हाथों से स्वयं भगवान भोग स्वीकार करते हैं। समय का चक्र घूमता गया। कर्माबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था लेकिन बाल्यावस्था में ही उनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद कर्माबाई ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। जीवन के अंत में वे जगन्नाथपुरी चले गए।
वहाँ भी वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाते और सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी खिचड़ी खाने के लिए उनके पास आते थे। अब देखिए, कर्माबाई हर बीतते हुए दिन के साथ वृद्ध होते जा रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान को खिचड़ी खिलाने का उनका नियम कभी नहीं टूटा। जगन्नाथ जी उन्हें अपनी माता मानते थे। कभी कभी खिचड़ी का भोग लगाने में विलम्ब होता तो जगन्नाथ जी कर्माबाई से कहते, मैया जल्दी करो, मुझे भूख लगी है, इतनी प्रतीक्षा मत करवाओ, जल्दी से मुझे खिचड़ी दो। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कर्माबाई के घर पर एक साधु आए। उन्होंने जब देखा कि वृद्ध कर्माबाई सुबह सुबह बिना स्नान किए ही भगवान के लिए भोग बनाते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, तो ये देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कर्माबाई को उपदेश दिया और प्रातः काल में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर रसोई धोकर ही भगवान के लिए भोग बनाने के कुछ नियम बता दिए। अब ये तो भोली भाली भगवान की भक्त कर्माबाई थी, उन्होंने तो साधु की बात मान ली और दूसरे दिन सारे नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया। जब सुबह सुबह जगन्नाथ जी अपने नियत समय पर खिचड़ी खाने के लिए आए तो उन्होंने देखा मैया तो अभी स्नान कर रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये आज अचानक इन्हें क्या हो गया। फिर भगवान वापस चले गए। थोड़ी देर बाद फिर से आए तो देखा कि अभी मैया रसोई साफ कर रही है। फिर से उदास होकर वे वापस चले गए। इस प्रकार 2-3 बार वापस जाने के बाद आखिर में कर्माबाई ने उन्हें खिचड़ी का भोग लगाया और जगन्नाथ जी तो बैठ गए खिचड़ी खाने के लिए। लेकिन इस तरफ मंदिर में भी पुजारी ने भोग के लिए घंटी बजा दी थी, इसलिए जगन्नाथ जी जल्दी से खिचड़ी खाकर हाथ और मुंह धोए बिना पहुंच गए मंदिर। अब जैसे ही वे मंदिर में गए तो पुजारी ने देखा, अरे भगवान, ये आपके मुंह पर खिचड़ी कहाँ से आई। ये सुनकर जगन्नाथ जी ने पूरी कथा सुनाते हुए कहा, मेरी ना यहाँ एक माँ रहती है, उसका नाम कर्माबाई है। वे प्रतिदिन बड़े प्रेम से मेरे लिए खिचड़ी बनाती है और वो इतनी स्वादिष्ट होती है कि मैं उसे खाए बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए मैं प्रतिदिन खिचड़ी खाने के लिए उनके पास जाता हूँ। लेकिन पता नहीं कहाँ से कल एक साधु आ गया और उसने माँ को उल्टे सीधे नियम बता दिए और भोली माँ ने उसकी बातें मान ली और आज खिचड़ी बनाने में विलम्ब हो गया, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी वापस लौटना पड़ा। तुम इसी क्षण जाओ और उस साधु से कहो कि वो मेरे और मेरी माँ के बीच में नियमों को लेकर ना आए। जगन्नाथ जी की बात सुनकर पुजारी को तो आश्चर्य हो गया। वे उसी समय उस साधु के पास गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। कर्माबाई की शुद्ध भक्ति और प्रेम को देखकर साधु ने उनसे माफी मांगी और कहा, हे माता, आप तो स्वयं भगवान को प्रिय है, इसलिए आप जैसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती थी वैसे ही बनाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जगन्नाथ जी प्रतिदिन कर्माबाई की खिचड़ी खाने उनके पास जाते रहे। कुछ समय बाद कर्माबाई ने अपना भौतिक देह त्याग दिया। उनके विरह में जगन्नाथ जी उस दिन बहुत रोए और उन्होंने उस दिन भोग भी स्वीकार नहीं किया। ये बात राजा तक पहुँच गई। राजा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, इतना कष्ट किस लिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, वे प्रतिदिन मेरे लिए खिचड़ी बनाती थी, अब उनके बिना मैं क्या करूँगा। अपने भक्तों के प्रति भगवान का इतना प्रेम देखकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन से लेकर आज तक जगन्नाथ जी को प्रातः काल में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उनके समक्ष बोला जाता है कि ये कर्माबाई की खिचड़ी है, हे प्रभु इसका स्वीकार करें। भक्त और भगवान के बीच के इस दिव्य आदान प्रदान की कथा ने अगर आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इस अमृत को अन्यों के साथ भी अवश्य शेयर करें। इससे जगन्नाथ जी का गुणगान होगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और आपका भी सम्मान बढ़ेगा। और अगर आपको जगन्नाथ कथा का हमारा ये प्रयास प्रशंसनीय लगता है और अगर आप अगली जगन्नाथ कथा के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना योगदान दे सकते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। हरे कृष्णा।